बाबा अगस्त क्या वाक्य क्या होगा अगस्त ऋषि का? आगत है इसका गता माने गया, आगत है माने जो गया ही नहीं, सब आत्माएं परमधाम जाती है, उसको जाते हुए कोई देखता है तो गया ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट धारी है। शिव आते हैं अज्ञान अंधेरा, अज्ञान अंधेरा रात में शिव आते। अरे बात तो पूरी उसकी होने दो माता की, तुम क्रंच पक्षी हुए ब्रह्म कुमारी, ओ ब्रह्मा कुमार कुमारी है, बॉन्डी बच्चे तैयार करते हैं बार बार, सागर की लहरें आती हैं बहा के ले लेते हैं, बार बार बहा के ले जाती है, वो बनाते हैं एडवांस वाले ले आते हैं, एडवांस वाले ले आते हैं कि बाप दादा ले आते हैं? बाप दादा ले तो सागर बहा, सागर की लहरें बहा ले जाती है, बार बार यही क्रम चल रहा है। तो अगस्त ऋषि को दया आ जाती है चिड़ियों के ऊपर, दया आती है तो क्या करते हैं, सारा सागर को उठा के पी लिया, तो सारे ही ज्ञान जल को कौन पी लेता है? जो पी लेता है उसको अगस्त ऋषि दिखाया गया, पीने के बाद फिर सागर का रूप क्या हो जाता है? खारा, खारा हो जाता है, कहते हैं सागर खारा हो गया। तो जो भी मुख से ज्ञान निकलता है एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, वो जल क्रौंच पंछियों को खारा लगता है या मीठा लगता है? खारा लगता है, खारा ही खारा लगता है। कोई भी शब्द बोलो, कोई भी ज्ञान की बात बोलो, कोई भी एडवांस का पॉइंट बोलो, उनको खारा लगेगा या मीठा लगेगा? खारा लगेगा, उनको खारा ही खारा लगता है। जबकि बाबा कहते हैं कि सागर मीठा भी है तो सागर खारा भी है। और बाबा से रामकृष्ण आत्मा माने धरनी का पकड़ते हैं और कच्चा अवतार मच्चा अवतार ये सब ज्ञान जल का पकड़ते है बोल रहे हैं। धरनी मतलब कन्या माता है, आधार होते हैं कन्या माता में, मतलब ये कच्चा अवतार मच्चा अवतार जितना बाकी सब है वो ज्ञान जल को पकड़ माने ज्ञान जल में रहता है, माने ज्ञान ही ये है ना, अब क्या मैं समझ नहीं रहा हूँ। उनको ज्ञान का अहंकार आता है, वो इस अहंकार में आ जाते हैं कि ज्ञान हमने दिया, वो शिव बाबा को भूल जाते हैं। और रामकृष्ण वाली आत्माएं पवित्रता को विशेष वजूद देती है, वो कन्या माताओं में विशेष प्योरिटी है, पवित्र बर्तन है, तो उनको आधार बनाते हैं, कन्या माताओं को आगे करते हैं, कन्या माताओं के सामने अपने अहंकार को नष्ट कर देते और जो असुर होते हैं दबा देते हैं, वो कन्या माताओं को दबाते हैं, अपने अहंकार को आगे कर देते हैं। कन्या माताओं को ही बैठ करके ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे, जानते हैं हमारे अंदर ये कमजोरी है, वो कमजोरी उनको उल्टा भी कर देती है, फिर भी कन्या माताओं के ऊपर दबाव दे करके रहते हैं, मेरी बात मानो। बाबा बीच
पूजा जो दुर्गा पूजा होता है और एक साल में दो बार होता है और काली पूजा भी ऐसे होता है, लक्ष्मी पूजा भी होता है, लेकिन घर घर में तो लक्ष्मी नारायण की पूजा सामान्य रूप से होता है। तो श्रेष्ठ माने हर दिन पूजा करते हैं लोग भक्ति मार्ग में, जो लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में, और विशेष रूप में अक्सर करके नारायण सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी को होती है, रोज नहीं होती है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो नर से नारायण बनने वाली आत्मा भी पूर्ण होती है। वो बाप है, वो बच्चा है। बाप का विरोध है कि बच्चे को आगे बढ़ाएगा, तो कृष्ण बच्चा पूर्णमासी पर संपूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण बनता है, तो बाप भी पूजा जाता है। बाप अगर बच्चे को संपन्न न बनाए तो बाप की बपौती क्या हुई? इसलिए दोनों लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन रूप है विष्णु। विष्णु का अवतार राम भी माना जाता है और विष्णु का अवतार कृष्ण भी माना जाता है। परंतु विशेष पूजा में तो नारायण का पूजा समान साइड में या साथ में नहीं दिखाते ना, सिर्फ काली का या लक्ष्मी का ऐसे दिखाते हैं। माने विशेष पूजा में सिर्फ देवियों का दिखाते हैं या नारायण का दिखाते हैं? माने इतना मान्यता नहीं देते हैं वो भक्तों पर। दशहरे पर देवियों की पूजा होती है, फिर 15 दिन के बाद दीपावली पर लक्ष्मी की स्पेशल पूजा होती है। नौ देवियां हैं, नौ की अलग अलग पूजा। लक्ष्मी की पूजा जिस दिन होती है उस दिन ढेर दीपक जलाए जाते हैं, फिर लक्ष्मी का पूजन होता है, लेकिन उससे एक दिन पहले धर्मराज का दिया जलाया जाता है, वही नारायण है। तो अलग अलग तो होता है ना, किस समय का ये पूजा? क्योंकि अलग अलग पुरुषार्थ हुआ है अलग अलग टाइम पर। जिसने पहले पहचाना वो पहले संपन्न बनता है, जिसने बाद में पहचाना वो बाद में संपन्न बनेगा। लेकिन नारायण को बनने के बाद तो लक्ष्मी लक्ष्मी बनती है ना? बाद ही तो है, बाद में ही तो पूजा दिखाई गई है लक्ष्मी की। बाबा ये जो जालंधर को पकड़ के जो जल को धारण करके बैठ लिया, तो वो चैतन्य जल जो है जगदम्बा पर लागू होता है या लक्ष्मी वाली के ऊपर लागू होता है? ये दोनों के ऊपर लागू होता है। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा, वृंदा कोई दूसरी आत्मा नहीं है, जगदम्बा का ही नाम वृंदा है। जो तुलसी के रूप में पूजी जाती है, तुलसी ने ही वृंदा का जन्म लिया। हाँ जी बाबा, जो नौ देवियां में दिखाया गया है शीतला देवी, इसको बाबा का क्लासिफिकेशन माया लक्ष्मी की आत्मा है, गधे पर सवार करती है। जैसे उल्लू कहो गधा कहो, हाँ बात तो एक ही हो जाती है। लक्ष्मी की सवारी किस पर दिखाते हैं? उल्लू पर। उल्लू पर। और शीतला की सवारी गधे पर। गधे पर। और बाबा यहाँ पर महागौरी भी एक दिखाया नौ देवी में,
माँ गौरी कहो महालक्ष्मी कहो बात एक ही है, जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। हाँ जी मदन। प्रजापिता को मैंने किया, मैंने किया कि जब तमो प्रधान बनेगा तभी तो मैं आएगा। हम बच्चे भी ईश्वरीय सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा करने के बाद कोई रिजल्ट निकलता है, कोई परिवार निकला, कोई सेंटर का सेंटर टूट गया ब्रह्मा कुमारों का तो अहंकार आ जाता है, मैंने ज्ञान सुनाया तो ये सेंटर टूट गया, मैंने ज्ञान सुनाया तो ये परिवार निकल आया। तो ये जो मैं आई ये बकरपना नहीं है क्या? बाबा तो कहते हैं कि तुम बच्चे सेवा नहीं करते हो, तुम तो तमो प्रधान हो। हम बच्चे तमो प्रधान है या सतो प्रधान? तमो प्रधान। तमो प्रधान सेवा करता है या सतो प्रधानता सेवा करती है? सेवा कौन करता है? सतो प्रधान। तो कौन है? बाप दादा सेवा करते हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हमने सेवा की। ऐसे ही प्रजापिता वाली आत्मा अंत में तमो प्रधान बनेगी या पहले तमो प्रधान बनती है? अंत में है? अंत में बनती है। इसका प्रूफ क्या? विनाश यही है कि प्रजापिता की कोई एक्टिविटी में, प्रजापिता की कोई भी वाचा में, कोई भी भाषण में, कोई भी संकल्प में कभी ये बात साबित नहीं होगी कि मैं शिव हूं, मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है, मैं प्रजापिता हूं, मैं राम की आत्मा हूं, कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब स्वीकार करने लगे कि मैं ही भगवान का साकार रूप हूं तो तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? टाइम आएगा क्या जो कहे मैं ही भगवान हूं तो वो कौन है? शिवो हम कौन सा राक्षस है? हिरण्यकश्यप है। हाँ क्या कह रहे? ऐसे टाइम आया क्या है? मैं करने के टाइम ऐसे आएगा क्या? अंत में आएगा। दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं पहले सतो प्रधान और बाद में तो शूटिंग पीरियड में शूटिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ कोई पहले तमो प्रधान बन जाएंगे, कोई बाद में तमो प्रधान बनेंगे, आगे पीछे बनेंगे सब तमो प्रधान। कोई थोड़े समय के लिए तमो प्रधान बनेंगे, कोई ज्यादा लंबे समय तक तमो प्रधान बनेंगे। ये अंतर जरूर है बाबा। अंतिम में कंचन का या कितना आत्मा बनते? कंचन जैसा सोने जैसा सच्चा पुरुषार्थ कितने करते हैं? साढ़े चार। यथा राजा तथा प्रजा। तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ राजा ही कौन सी युग में है? अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग कौन सा है? तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो ऐसे राजा बनेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा होगी। बाबा वो अपने फॉलो करने वाली प्रजा को भी अपने बच्चे के समान समझेंगे। आज के जो शासक हैं, शासनकर्ता,
वो प्रजा को आप समान बनाते हैं, समझते हैं कि नीचे समझते हैं, नीचे समझते हैं। पहले जन्म की प्रजा में और आखिरी जन्म की प्रजा में बहुत फर्क होता है। पहले जन्म के जो राजाएं हैं, राज करने वाले, वो राजाएं भी बहुत ऊंची स्टेज के हैं और यथा राजा तथा उनकी प्रजा भी बहुत ऊंची स्टेज वाली है। वो प्रजा भी ज्ञानी तो आत्माओं की प्रजा है, जिनके लिए बोला ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे बहुत प्रिय है। भले प्रजावर की आत्मा राजा ही नहीं करेंगी, कंट्रोलर नहीं होंगी, कंट्रोल्ड होंगी, तो भी भगवान बाप को पहचानने वाली होंगी। एक एक बच्चे को अभी ये वरदान मिल रहा है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो हर एक बच्चा अपने दिल से पूछे कि मेरे परिवार के लोग ज्ञान की बातों से ज्यादा वाकिफ हैं या बाहर के ज्यादा वाकिफ हैं परिवार के? मेरे परिवार के ज्यादा नजदीक हैं मेरे वाइब्रेशन के, मेरे मुख की निकली हुई वाचा के, मेरे कर्मों के ज्यादा नजदीक हैं या बाहर के परिवार ज्यादा नजदीक है? बाहर के ज्यादा नजदीक है, मेरे ज्यादा नजदीक हैं मेरे परिवार के लोग। हम बच्चों को वरदान मिला हुआ है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में निकलेगा, ज्ञान में निकलेगा तो अंत में तीखा पुरुषार्थ भी करेंगे यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज पर पहुंच जाएगी। बाबा अष्टदेव आठ ही होते हैं, अष्टदेव आठ ही हैं। तो सूर्यवंशी उसमें चार है और चार धर्मों का बीज। ये क्या कहा? अष्टदेव आठ होते हैं, देव जो होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले होते हैं या कम जन्म लेने वाले होते हैं? तो आप उसमें क्रिश्चियन विश्चियन कहाँ से जोड़ दिया? चार गुरु का जो बीज होते हैं, ये जो अष्टदेव में चार गुरु का बीज, वो अष्टदेव में नहीं है, वो तो नष्ट देव है। जितनी निश्चय बुद्धि होती है उतनी नशा होती है। नशे से मालूम पड़ता है कि ये कितना निश्चय बुद्धि है, जितना पाप में ज्यादा निश्चय होगा उतना उसके चेहरे से, उसकी चलन से, उसके नए नक्शों से नशा झलकेगा। विस्मृति स्वरूप बनना अच्छा है या स्मृति स्वरूप बनना अच्छा है? विस्मृति स्वरूप बनना अच्छा है, जब आत्मा संपन्न बनेगी तो शरीर अलग दिखाई देगा और अपनी आत्मा का स्वरूप अलग देखने में आएगा। तो संपन्न आत्मा अपने शरीर को भी देख सकती है या नहीं देख सकती है? देख सकती है, जब बिटा की विस्मृति हो जाती है। अरे अपनी तो छोड़ो, हर सितारे में जो दुनिया समाई हुई है, तो
तू हर सितारा रूपी आत्मा अनेक जन्मों में कितनी आत्माओं के कहां कहां संसर्ग संपर्क में आवेगी वो सब अभी संगम में देखने में आना चाहिए। तब कहेंगे कि हम आत्मा बन गए। फाइनल आत्मिक स्थिति की बात हो। हाँ जी बाबा, संगत जी में काम के आधार पर नाम पड़ता है। ये जो वृंदावती है उसने ऐसा कौन सा काम किया उसका नाम वृंदा पड़ा। वृंदा वृंद कहते हैं समूह को। समूह वृंदा माने स्त्रीलिंग। उसकी प्योरिटी के आधार पर संगठन बनता है। एडवांस जब तक उसकी प्योरिटी है कायम है वृंदा की तब तक जालंधर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। बाबा इधर जालंधर किसको इंडिकेट कर रहा है? इधर जालंधर किसको इंडिकेट कर रहा है? किसको माने पार्ट डिक्लेयर किया जाए? इशारा से है, सिर्फ इशारा देंगे तो प्रजापिता को भी लागू हो जाता है ना। प्रजापिता को तो सारा सब कुछ लागू, वो तो सारी दुनिया का भेज। इसीलिए बाबा पॉइंट उठा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। वो राक्षसों का भी बाप है, वो देवताओं का भी बाप है, वो मनुष्यों का भी बाप है, वो तो सबका बाप है। उसकी तो बात ही छोड़ दो बाबा। अष्टदेव में जो जोड़ा ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जोड़ा से मरता है ना? अरे वो चंद्रवंशी सूर्यवंशी इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी। अरे जब देव कहते हो देव कहते हो तो देवताएं 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशी हैं या और वंशी हैं? बाबा हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र में संगम युग के बच्चे त्रेता में जन्म लेंगे पहले होते हैं बच्चे राधा कृष्ण नहीं सतयुग में होते हैं। हाँ जी बाबा तमो प्रधान आत्मा अभी तो सब तमो प्रधान आत्माएं होते हैं, अपवित्र आत्माएं होते हैं। अभी बाबा मुरली में बोला कि अभी मुरली में बोला कि प्योरिटी निराकार सेल होगा, प्योरिटी ज्यादा होगा तो अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे, पाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये ऐसे माया तो फिर बोले कि माया महारथी को भी फेल कर देता है माया है। तो कैसे ऐसे होगा? कैसे ऐसे होगा? अंत में तो होगा ना। हाँ तो अभी निराकार सेल या कम प्रधान आत्मा जो है अभी निराकार स्टेज किसी का बना नहीं। अच्छा तो कैसे होगा? कैसे होगा? अभी टाइम नहीं पड़ा हुआ है। अंत में तो क्या करेंगे, टाइम नहीं है। अंत में ही होगा, कोई का पहले होगा, किसी को बाद में होगा। बहुत दिन लग गया बाबा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, रचयिता रचना के आधार पर चित्र बनाया गया है। ये जो राधा कृष्ण का चित्र है, राधा कृष्ण का, तो इसमें जो कृष्ण है उसको जब वो पार्ट बजा रहा था दादा लेख रहा था उसको तब पता चला था कि ये मेरा सब्जेक्ट में ये मेरी जोड़ी पर नहीं, ये राधा वाली आत्मा। ये अभी जब प्रवेश करते हैं दूसरे के शरीर में तब पता चलता है। उन्होंने तो ऊपर ऊपर का ज्ञान उठा लिया, उनकी बुद्धि में संगत की लक्ष्मी नारायण थोड़े बैठे हुए हैं। ये सब्जेक्ट में उनका जो जोड़ी बनेगा सहयोग तो संगत की लक्ष्मी नारायण को ही अपना रूप समझते हैं। ये थोड़े ही आया लक्ष्मी नारायण के चारों तरफ जो प्रकाश का वलय है वो किस बात की सूचना देता है?
क्या पता नहीं था उनको, नहीं मालूम है वो तो लक्ष्मी नारायण को सतयुग का लक्ष्मी नारायण समझते थे। तो बाबा ये जो एक दूसरे के प्रति दृष्टि का जो आदान प्रदान था, तो वो अभी जो साकार शरीर है उनका शरीर छोड़ने के बाद उसमें होगा या पहले से हो चुका शूटिंग? दृष्टि का जो लेन देन का जो हुआ था, मैंने इसकी दृष्टि राधा पर जाएगी, कृष्ण की दृष्टि राधा पर, राधा की दृष्टि कृष्ण पर, अभी आत्मा संपन्न बन गई नहीं तो फिर कहाँ से हो जाएगा? होने वाला है ना बाबा, जब होने वाला होगा तब होगा। तो ये 18 के बाद तो आत्मा असंपन्न है, यह संपन्न है? असंपन्न। अभी अपन को गीता का भगवान शिवो हम समझती है, पतित पावन अपने स्वरूप को समझती है कि दूसरे को समझती है? अपने को। तो अपने को जब पतित पावन समझती है तो पतितों को पावन बनाने का कार्य वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा करेगी या कोई दूसरा करेगा? वही करती है, वही करेगा। तो बाबा इसका जो शूटिंग होगा 2018 के बाद, जब वो जो प्रकृति का जो पांच तत्व है, वो चैतन्य प्रकृति का पांच तत्व है, पांच तत्व ही होगा ना चैतन्य देव? और चैतन्य प्रकृति के पांच तत्व तब परिवर्तन होंगे जब तुम बच्चों की संगठित याद का प्रभाव होगा सारी सृष्टि पर। एक धागा जल्दी टूटता है और अनेक धागा जब मिलकर के रस्सा बन जाते हैं तो टूटता नहीं है, उसकी कई गुनी पावर हो जाती है। अभी हम बच्चों का जो याद की यात्रा का बल है वो बिखरा हुआ है। तो ये जो बाबा जो एक दूसरे के प्रति जो दृष्टि जाना, अभ्यविचारी दृष्टि जाना, वो अभी 2018 के बाद जो अभी साकार माध्यम, जो अभी बाबा का जो साकार माध्यम है उसी में से होगा। ज्ञानी आत्मा समझेंगी कि ये तो रचना का पाठ है, और जो अज्ञानी आत्मा समझेगी कि ये विजयमाला रुद्रमाला आपस में लेन देन कर रहे हैं। वो जिस धर्म के होंगे वो उसी को मानेंगे ना, चंद्रवंशी होंगे उनको कृष्ण दिखाई देगा, जो सूर्यवंशी होंगे उनको राम दिखाई देगा। सूर्यवंशी के लिए बताया गया विजयमाला रुद्रमाला, वो आपस में दृष्टि का भी मेल नहीं होगा, दर्शन का होगा, क्या दरकार है? हाँ, परंतु वो राधा कृष्ण वाली आत्मा कैसे आपस में दृष्टि का लेन देन करेंगे? वो जीत गई क्या हार गई? तो हार गई तो अब वो तो सतयुग में ही अनुभव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर संगम युग में ऐसे कुछ नहीं होगा? नहीं, हमें तुम बाबा वहीं पर जो नदी दिखाया गया है प्रकृति का, वो चैतन्य नदी कौन सा है संगम युग? कौन सी नदी? वो लक्ष्मीनारायण के चित्र में जो राधा कृष्ण का जहाँ चित्र दिखाया गया है। अभी टाइम हो गया, लोग फुल बुला रहे हैं तो घर में बैठे। ग्लास के बारे में थोड़ा जी, जो रोज ग्लास नहीं करते ऐसे मंदिर में आया था, ऐसे वार्तालाप में आया था एक वार्तालाप में कि रोज जो मंदिर नहीं करते और 2 महीने के अंदर जो चिट्ठी वार्तालाप नहीं देते मर गए। हाँ मर गए। हाँ तो बाबा आते थे उसको नहीं बैठाना चाहिए, जब मुर्दे को बैठाना है, परंतु आ जाते हैं खबर मिलता है, आ जाते हैं तो वो गीता पाठशाला जो चलाने वाले हैं उनकी कमजोरी से आ जाता है, प्रबंध नहीं कर पाते हैं या नहीं? बाबा हम लोग तो नहीं देते, दूसरे का माध्यम वो जिस गीता पाठशाला जाते हैं उनको खबर होते देते हैं। हाँ तो फिर वो बाबा के सामने आ जाते हैं, हम लोग से खबर नहीं मिलता। हाँ तो इंट्री में जो लोग बैठते हैं वो ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जो ज्यादा लोगों को जानकारी हो जिनकी। अरे तो इंट्री में बैठाया कौन जाता है? एंट्री करने वाले कौन होते हैं? जो एंट्री करने वाले हैं उनको पहले ही बता दें। एंट्री करने वाला कोई नहीं रहते बाबा, गीता पाठशाला में एंट्री नहीं होता, होना चाहिए ना एंट्री? वो इक्का दुक्का आत्मा के बारे में, एक दुक्का दुक्का भी क्यों आए? आपका संगठन मजबूत नहीं है, वही तो बाबा इसलिए आ जाते हैं। छोड़ने वाला इसे क्या समझते हैं? वो जानना चाहिए कब आता है। नहीं वो दूसरे बात बोलूँ। हाँ सीता माता की वहाँ जो गीता पाठ में चलता है वो एनडीए की अनवरिटी
सीता माता के वहाँ जो गीता पाठ चलता है आइडियल में, हाँ आइडियल में वो वैलिड है कि इनवैलिड है? अगर पांच हैं तो वैलिड है, और पांच पांडव बाहर से आते ही नहीं है तो अपने आप पहले इनवैलिड हो गई। बाबा जी लोग पांडव प्याज लहसुन खाते होंगे, पांडव कहा कुछ भी खाते हो तो आपके किसी को देखने जाते हैं कि कौन विकार में जाता है कौन नहीं जाता है? कौन तो दूसरे बाहर की दुनिया के पास प्रूफ है, हम लोग के पास नहीं है, है? बाहर की दुनिया के पास प्रूफ है कि प्याज लहसुन खाते हैं, भक्ति मार्ग में करते हैं। हमें किसी की कमजोरी नहीं देखना है, हमें तो प्रैक्टिकल प्रूफ देखना है, रोज क्लास करते हैं या नहीं करते हैं। संगठन तो मजबूत नहीं होगा ना? मजबूत संगठन अभी है किसका? नंबर वन तो बाबा कुछ होगा, किसका नंबर पहले रखे? अरे नंबर नंबर तो जब बनेंगे तब बनेंगे, माया अपने आप नंबर बनाई देगी। बाबा बॉम्बे में कलकत्ता में संगठन है ना, 500-600 का संगठन बन रहा है, कहीं 50 भी नहीं हो रहा। अच्छा वो संगठन सबसे बड़ा कलकत्ता में बनता है, भेड़ बकरी सारी इकट्ठी हो जाए तो कलकत्ता सबसे बड़ा बढ़िया संगठन हो गया। यूनिटी तो देखने में आती है कुछ कुछ। अरे पांच पांडवों की यूनिटी देखो, हुजूम की यूनिटी नहीं देखना है। ज्ञान देवधारा हाँ जी शांति है, एक पर्सनल बात है। क्या क्लास में क्या होता है ना, जो बाबा का इम्पोर्टेंट मुरली पॉइंट आता है, इम्पोर्टेंट मुरली पॉइंट आता है उसको हम लोग डीवीडी में थोड़ा रिव्यू करते हैं। ये क्या बाबा का श्रीमत का अनुसार है या मतलब रिव्यू करके दोबारा सुनते हैं क्लास का? बाबा ने बोला है कि बाप 100 वर्षों के लिए संगम पर आते हैं, संगम पर आते हैं या पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं? बाप तो दो हैं बेहद के, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। दोनों बाप में उत्तम बाप कौन है? आत्माओं का बाप उत्तम है और सदैव उत्तम है, उसके आने से प्रत्यक्ष होने मात्र से पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और उसका नाम क्या है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। क्या नाम है? है शिव। तो वो कल्याण का ही काम करेगा आकर के, या कुछ अकल्याण भी करेगा? सब आत्माओं का कल्याण करेगा या कोई कोई आत्माओं का अकल्याण भी कर देगा? तो कल्याण कल्याण का काम, स्थापना और पालना का हो जब तक होता है तब तक वो रहता है, और विनाश का काम उतना ही कल्याणकारी है जितना स्थापना और पालना, या कुछ कम कल्याणकारी है? और सभी के लिए कल्याणकारी है या कुछ बच्चों के लिए कल्याणकारी है? है? सबके लिए कल्याणकारी है? हाँ तुम बच्चों के लिए विनाश कल्याणकारी है, बाकी सारी दुनिया तो हाय हाय करके मरेगी, हा हा कार में शरीर छोड़ेगी, उनके लिए कल्याणकारी कहाँ हुआ? तो वो पार्ट किसका है, किसके मत्थे गया? है शंकर के मत्थे गए, उसके लिए बोला शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो शिव बाबा ही है। कब? तब है शिव बाबा जब वो बाप समान स्टेज बना ले, उसका नाम सदैव के लिए शिव के साथ जोड़ दिया जाए।
तब है बाप समान। बाप जब बाणप्रस्थी हो जाते हैं माने वाणी से परे चले जाते हैं, वाणी चलाना बंद कर देंगे और बच्चे तैयार हो जाते हैं तो वो वानप्रस्थी बाप घर में बैठता है या दुकान संभालता है? घर में बैठता है। शिव बाप भी कहां बैठेंगे? तुम बच्चे सतोप्रधान बन जाएंगे तो बाप घर में बैठ जाएंगे, फिर कौन सा काम रह जाएगा? तुम बच्चे सतोप्रधान बन जाएंगे, तुम्हारी सतोप्रधान राजधानी तैयार हो जाएगी, बाप का काम खत्म। बाप का क्या काम है? सत्य की स्थापना करना, सत्य सनातन धर्म स्थापन करना और तुम्हारी राजधानी स्थापन करना। राजधानी तैयार हो गई, बाप का फिर क्या काम? फिर जो पढ़ाई न पढ़ने वाले हैं क्या, जो पढ़ाई को तरजीह देने वाले नहीं है या जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है उनको मानने वाले नहीं है, उनका फिर क्या होना चाहिए? क्या होगा? विनाश हो। तो बाप विनाश करने आए हैं या स्थापना और पालना कराने के लिए आए हैं? कहा तो जाता है कि शिव बाप के तीन काम हैं, स्थापना पालना और विनाश, लेकिन बाप खुद नहीं करते स्थापना, वो पालना विनाश तुम बच्चों के द्वारा कराते। तुम बच्चों, वो तुम बच्चों में रुद्रमाला है या विजयमाला? रुद्रमाला है। वो ताबड़तोड़ विनाश कर देते हैं। हाँ जी, और युगल के यहाँ गीता पाठशाला खुला है, मुरली मुरली सुनने को आती नहीं। युगल के यहाँ गीता कोई युगल जोड़ा है उनके घर में, गीता पाठशाला है, सम्मुख मुरली सुनने आए नहीं? गीता पाठशाला है, सन्मुख मुरली सुनने आए हैं, तो क्या बुरा किया? आए नहीं है। हाँ तो क्या उनको फांसी लगा दी जाए? नहीं, फांसी भी नहीं किया, मतलब रजिस्टर पे साइन नहीं होगी ना बाबा। जब आए ही नहीं तो साइन कहाँ से करेंगे? आएंगे तभी तो साइन करेंगे। रजिस्टर की और कोई ला सकता है? रजिस्टर कोई को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? काहे के लिए रजिस्टर देना? चेक कराने के लिए। साइन कराने क्यों? साइन कराने के लिए क्यों नहीं दे सकते? लाइन नहीं है, युगल नहीं आए जिनका गीता पाठशाला खुला हुआ है। अरे युगल नहीं आए, आप तो आए हैं। है और है मानो तुम आप मुहे मर गई दुनिया, 18 में आप जीते जी मर जाएंगे। आप जीते जी मर जाएंगे कि नहीं? चुपचाप बोलते ही नहीं। अरे मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? है मर जाएंगे? झिझक झिझक के बोलते तो कैसे मर जाएंगे? आप मर जाएंगे तो दुनिया मर जाएगी पुरानी, फिर कौन सी दुनिया में चले जाएंगे? दुनिया में चले जाएंगे। बाबा
जैसे गीता पाठशाला में कई अनपढ़ माताएं हैं, वो अपने लेटर पोता में लिखवाती हैं, तो क्या बाबा लिखना चाहिए? लिखते हैं तो कभी कभी वो पोता मेल बुद्धि में इमर्ज हो जाते हैं, तो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? अरे गीता पाठशाला वालों का काम क्या है? उनका काम है इधर से लेना उधर को देना। अगर बीच में ले लिया, चाहे पोता मेल हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, ले तो लिया और अंदर रख लिया तो याद नहीं आएगा, है? तो याद आएगा। पोता मेल है तो ऊपर देना चाहिए ना। राम की सीता जो बुलाई है, की सीता जो बुलाई है, फिर त्रेता में तो राम गतियां होती है, तो राम की सीता चुराई। आखिरी राम की सीता चुराई गई या पहले राम की सीता चुराई गई? है? अरे पहला राम नीचे गिरता है या आखिरी राम दुनिया को नीचे गिराने के निमित्त बनता है? आखिरी राम के राज्य में रावण राज्य आता है या उससे पहले वाले राम के राज्य में रावण राज्य आता है? उसी की सीता चुराई जाएगी। बाबा ये बताइए, पुंडार गांव का अर्थ क्या है? क्या शब्द बताया? कोंडार। कोई है गांव क्या है? यमुना किनारे। कौन सा जिला? फतेहपुर में है। इसके संधि विच्छेद कर दें हिंदी में, को अंडार है। को माने कौन, अंडा माने अंडा, र माने रह। कौन है जो अंडा है? अंडे में से तो सब कुछ निकलता है, जैसे बीज में से सारी दुनिया पैदा होती है, ऐसे ही अंडे में से ही पैदाइश होती है। तो कौन सा गांव है जो अंडा है, सारी दुनिया का बीज है? बताओ। है क्या? प्रजापिता गांव है। हाँ, गांव जहां से भगवान बाप की प्रत्यक्षता होती है, वो बेहद में है कोंडार। कौन से जिला में? फतेहपुर। कौन सा पुर? फतेह माने जीतना, जहां से जीत होती है, सारी दुनिया के ऊपर जीत हो जाती है। तो फरक्काबाद वाले लोग मालिक को बहुत मानते हैं। अरे वाह, हमारे गांव के आदमी सारी दुनिया को जीत लिया, फतेह कर लिया। वो फतेहपुर सीकरी है, उसका नाम फतेहगढ़ है।
किसका नाम? उस गांव के असली जिले का नाम क्या है? फतेहगढ़। और बाबा ये बताओ, फतेहपुर हसरा का अर्थ क्या है? अरे हसवा का भी संधि विच्छेद कर दो। हस माने हसना, वाह माने वाह। जीतेगा तो क्या करेगा? वाह वाह करेगा, हाय हाय करेगा, वाह वाह करेगा। है? है? भूख लगी? जाओ घर जाओ, जाओ भूख लगी तो। बाबर बादशाह को चार पुत्र थे, उनमें से हुमायूं की तबीयत जब बहुत खराब हुई, उसकी तबीयत हो कौन हो माऊ कौन हो म्याऊ हाँ क्या जब बहुत खराब हुई हुमायूं की तबीयत और दूर दूर से हकीम बुलाए गए और किसी तरह से हुमायूं की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो हकीमों ने कहा कि आप जहां पनाह है क्या है पनीर हीरा अर्पण कर दे, तो शहजादी की जान बच जाएगी। तो बाबा है तो बाबा बादशाह ने क्या अर्पण किया? इसका अर्थ क्या होगा? उसकी कहानी बताई गई अभी। बाबर क्या रह? अरे बाबर का अर्थ क्या हुआ? क्या रह? बाबा माने बाबा, रह माने रह, क्या रह? बाबा रह। और बिंदी रूप है तो भी बाबा है, और साकार रूप में है तो भी बाबा रहा। उसके चार बच्चे थे। और शिव बाबा जब एडवांस ज्ञान देते हैं, एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है, तो कितने धर्मों का बीजारोपण होता है? चार धर्मों का बीजारोपण होता है। पहला कौन? इस्लाम धर्म। दूसरा बौद्ध। तीसरा है क्रिश्चियन।
और आज सनातन देवता धर्म। तो आदि सनातन देवता धर्म के बीज की बात नहीं कही, इसकी बात कही। कौन से बच्चे की बात कही है? हुमायूं, माने माया की शुरुआत कौन से धर्म से होती है? इस्लाम धर्म से होती है। इस्लाम धर्म का कोई बीज है वो मरने मरने पर आ गया, और बहुतों ने कोशिश की उसे ज्ञान की दवाइयां देने की। पता नहीं कितनों कितनों ने उसे साप्ताहिक कोर्स दिए होंगे, कितनों कितनों ने भट्टी कराई होगी, कितनी बार भट्टी कराई होगी, और उसके जिंदा रहने की कोई पक्कायत नहीं हुई। तो आखिरी ने हकीमों ने कहा क्या करो है, कोनीर हीरा अर्पण कर दो तो बच जाएगा। अब बताओ कोहनीर हीरा कौन है जो लास्ट जन्म में अंग्रेजों की मुट्ठी में आ जाता है? विदेशों में चला जाता है, विदेशियों के बीच पलता है, है? है? छोटी माँ है। अरे बेहद का बाप है मनुष्यों का, तो उसका बुद्धि का लगाव विशेष किससे होगा है? जिससे लगाव होगा वो लगाव ही अर्पण कर दो तो जिंदा हो जाएंगे, और जब तक वो जिंदा नहीं होते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई नहीं बनते। लड़ाई झगड़ा जब तक करते हैं परमात्मा के बच्चे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। बाबा जब लड़की की शादी हो जाती है कि शादी होने वाली होती है, तब उसको हल्दी क्यों लगाई जाती है? हल्दी क्यों लगाई जाती है? इसका बेहद में अर्थ क्या है? है? अरे हल्दी क्या होती है? लौकिक में हल्दी की खासियत क्या है? है? है काले को गोरा बना देती है। एंटीसेप्टिक भी होती है क्या? तो कन्या है, आज की दुनिया गंदी है अच्छी है? काजल की कोठरी है आज की दुनिया, उस दुनिया में कन्या कैसे भी वातावरण में पलती है तो भी थोड़ी न थोड़ी काजर की लीक लगती जरूर है। उसको खत्म करने के लिए अर्पण करने से पहले उसको हल्दी का लेप लगाते हैं,
एंटीसेप्टिक का लेप लगावेंगे तो थोड़ी बहुत गाज आ गई वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छी चीज अर्पण करना चाहिए या खराब करके अर्पण करना चाहिए? अच्छी चीज अर्पण करना चाहिए। पार्वती माता गंगा माता दोनों बहने बहने हैं। दोनों बहने क्या एक बाप की बच्चियां हैं? शंकर के सर में अरे हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ, दोनों एक बाप की बच्चियां हैं या अलग अलग की बच्चियां हैं? एक है विष्णुपदी, विष्णु के पांव से निकलती है। कौन सा पांव है? बुद्ध रूपी पांव। और एक है हिमालय पुत्री। हिमालय कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा है हिमालय। बुद्धि जाम है बर्फ से, बुद्धि चलती नहीं है। जो भी बात मुरली में बाबा ने सुना दी सोई याद रहती है बस, उससे ज्यादा उस पर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता। महात्मा है महात्मा, जैसे बच्चा बुद्धि होता है। महात्मा ऊंचा है या नीचे है? ऊंची चीज है। शंकर के सिर में दिखाई गई है ना गंगा, तो गंगा है विष्णुपदी और पार्वती है हिमालय पुत्री। ज्यादा ऊंची कौन है? ब्रह्मा की ज्यादा पूजा होती है मान्यता ज्यादा होती है या विष्णु की ज्यादा पूजा होती है मान्यता ज्यादा होती है? है तो बड़े आदमी की बच्ची होगी तो उसको ज्यादा मान दिया जाएगा या उसके मुकाबले छोटे आदमी की बच्ची होगी उसको ज्यादा मान दिया जाएगा? बड़े आदमी की बच्ची है, सर पर विराजमान है, सर माथे पर। जो बच्चा ज्यादा सेवा करता है तो सेवाधारी बच्चा बाप को बहुत प्यारा लगता है, उसको प्यार में आकर के सर माथे पर उठा लेते हैं, कहते हैं अरे इसको तो सर पर चढ़ाए रखा है। तो गंगा को कहाँ चढ़ाए रखा है? सर पर चढ़ाए रखा है। बाबा चेतन में गंगा भी आई नहीं। और गंगा को बाद में बुलाना, पहले जिसको बुलाने के लिए डायरेक्शन दिया सो तो करो। है गंगा पहले आएगी या वैष्णवी पहले आएगी? है सन्यासियों में पवित्रता ज्यादा है या गृहस्थियों में पवित्रता ज्यादा है? है सन्यासियों में पवित्रता ज्यादा है। तो पवित्र अपवित्र की तरफ खींचेगा आ जाएगा या अपवित्र खींचता है? फिर गंगा तो पवित्र है, उसको पवित्र ही खींच सकता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में गंगा विष्णुपदी है, विष्णु अर्थात गृहस्थियों में पल रही है। विष्णु गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी है। राम तेरी गंगा मैली,
कौन से युग में? कलयुग। तो गंगा को कौन खींचेगा? है सन्यासी खींचेंगे। सन्यासी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? है बेसिक वाले सन्यासी। उन बेसिक वालों में से वो विजयमाला की हेड निकले तो गंगा दौड़ी चली जाएगी। ओम शांति।